नमस्कार मु किशोर एन क्लासेस को आपमन को स्वागत करछि। पिलामन आजर सेशन रे आमे माने डिस्कशन करिवा अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रीवियस वीडियो रे आमे माने ऑलरेडी डिस्कशन करि सारि छथि अबाउट द एंडोक्राइन एवं नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड विषय रे, एवं ता सहित जते हमर हार्मोन सेक्रेशन होउछि तार क्लासिफिकेशन विषय रे डिटेल्स रे डिस्कशन करछथि। जेउ माने वीडियो टिकु देखि नाहथि प्लेलिस्ट को जाई के एनाटॉमी फोल्डर को खोलंतु, सेथरे वीडियो टि अछि, वीडियो टिकु देखंतु। काहे कि ना सिक्वेंस वाइज जदि आपण सब वीडियो को न देखिबे ताहाले इन फ्यूचर जितेबाला आम एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड विभिन्न प्रकार डिजीज कंडीशन और तार एमसीक्यू विषय डिस्कशन करवा आपण मैंने बुझीपारे ना, बहुत कन्फ्यूजन हम। ओके, तेणु क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट। जदि चैनल को प्रथम थर पर भिजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु, जहाद्वारा कि वीडियो अपलोड हो आपण पाखे नोटिफिकेशन पहुंची। आसतु आज सेशन स्टार्ट करवा। सो पाने आम बॉडी में जिते भी नॉर्मल और अबनॉर्मल फंक्शन हो किंबा बॉडी आमर जहाँ भी फंक्शन परफॉर्म करुचे तापाई विभिन्न प्रकार हार्मोन विभिन्न प्रकार वाइटल रोल प्ले करते। ओके, तेणु जेहेतु आम मैंने प्रीवियस सेशन रे आम मैंने विभिन्न प्रकार हार्मोन मान क्लासिफिकेशन देखिले एवं ता मध्यरु आम मैंने निज निज कोर्स पढ़ला बेलू आम मैंने जानते जे मैक्सिमम हार्मोन पिट्यूटरी टू सिक्रेशन हो बॉडी आमर जिते हार्मोन सिक्रेशन हो से सब गुड़ाकर अधिकांश हार्मोन आम पिट्यूटरी टू सिक्रेशन होमती ना पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस सहित कंबाइन होगी विभिन्न प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड मान को रेगुलेट करी थाए। ओके, से जेहेतु अधिकांश हार्मोन पिट्यूटरी रू सिक्रेशन होतीपाई ह्यूमन बॉडी रे पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत मेजर रोल प्ले करी थाए बा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी थाए। ओके, तो आज क्लास रे आम ए पिट्यूटरी ग्लैंड रो विभिन्न प्रकार एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एवं केमिति सी हार्मोन गुड़ाक सिक्रेशन करुची सिंथेसाइज करुची ता विषय आम मैंने डिस्कशन करवा। ओके, एग्जाम दृष्टि सब लाइन गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट। फॉर एग्जांपल जदि आम लोकेशन कथा देखा जे पिट्यूटरी ग्लैंड कौटी लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन द हाइपोफाइशियल फोसा। ठीक अच्छे, हाइपोफाइशियल फोसा कौटी अच्छी ना हाइपोफाइशियल फोसा मेड अप ऑफ स्पेनोइड बोन। ओके, स्पेनोइड बोन द्वारा स्पेनोइड बोन। ठीक अच्छे, स्पेनोइड बोन द्वारा निर्मित कौन हाइपोफाइशियल फोसा रे एटा लोकेटेड। अच्छा, हाइपोफाइशियल फोसा मीन्स कौन, फोसा मीन्स हो वन टाइप ऑफ केविटी। ओके, वन टाइप ऑफ केविटी, खाली स्पेस एमती गिना टाइप रो केविटी ताको आमर कहगला फोसा। अच्छा, स्पेनोइड बोन कौटी अच्छी डिटेल्स तो आम डिस्कशन करवा जिते बड़े स्केलेटल सिस्टम पढ़ा से डिस्कशन करवा, तथापि आपर डाउट क्लियर पर मुझे वर्तमान जस्ट आमर फ्रंटाल बोन पोस्टेरियर पार्ट रे जदि एटा आमर फ्रंटाल बोन हुए, एटा जदि आमर फ्रंटाल बोन हुए तार जस्ट पछपट को अच्छी आमर स्पेनोइड बोन एवं एंटेरियरली टू द ऑक्सिपिटल बोन। क्लियर, ऑक्सिपिटल बोन रो एंटेरियर रे एवं फ्रंटाल बोन रो पोस्टेरियर रे आमर लोकेटेड कौन स्पेनोइड बोन। ए स्पेनोइड बोन गोटे हूँ सिंगल बोन, स्पेनोइड बोन रे निर्मित जो फोसा बा केविटी ताकु कहा जाए हाइपोफाइशियल फोसा एवं तार अन्य नाम कौन रथक्स पाउच बोली मध्य कहा जाए। ठीक अच्छे, तो यही पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोफाइशियल फोसा रे अवस्थित। क्लियर, अच्छा ये जो हाइपोफाइशियल फोसा आहुरी तार आम डिटेल्स लैंडमार्क कथा कहवा आप पोस्टल आड्रेस देखिथे विभिन्न प्रकार लैंडमार्क मागिथे आपलन सपिंग करुवे से आड्रेस जिते बारे एंट्री करती से देखिथे गोटे लैंडमार्क, तो ये लैंडमार्क कौन ना से जगह को भल भाव चिन्हट करने तार पखापाखी आ गए बड़ जगह बड़ जिनस कौन सी प्रकार जदि मंदिर थी मस्जिद थी ताकू आम आईडेटिफाई करती। ठीक अच्छे, सो आम देखे हाइपोफाइशियल फोसा यहाँ तो स्पेनोइड बोन द्वारा निर्मित कौटी लोकेटेड आम तार स्पेनोइड बोन लोकेशन कहली पोस्टेरियर टू द फ्रंटाल बोन और एंटेरियर टू द ऑक्सिपिटल बोन। क्लियर, किंतु आ गोटे लैंडमार्क कौन हो पारे तार ना इट इज जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ओके, दैट मीन्स यूँ आम कौन बुझे जो भी स्पेनोइड बोन अच्छी बा हाइपोफाइशियल फोसा अच्छी हाइपोथैलेमस जस्ट तार ऊपर अवस्थित। ओके, जदि स्पेनोइड बोन को आम कह हाइपोथैलेमस तले अच्छी ता अर्थ कौन हाइपोथैलेमसटा स्पेनोइड बोन ऊपर अच्छी, तेणु जेहेतु स्पेनोइड बोन एक केविटी रचना करुच्चे आम कौन हाइपोफाइशियल फोसा से फोसा उपर कौन अवस्थित हाइपोथैलेमस अवस्थित। क्लियर, एंड इट इज अटैच्ड विथ द हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी स्टॉक। ओके, तेणु आमर हाइपोफाइशियल फोसा रे कौन रहा पिट्यूटरी ग्लैंड रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड उपर कौन रहा आमर हाइपोथैलेमस रहा, एवं ए फोसारू
पिट्यूटरी ग्लांड टी हाइपोथालामस सहित जो कनेक्टेड होउची तेणु हाइपोथालामस एवं पिट्यूटरी को कनेक्ट करुथवा से जो अंश से पोर्सन को कौन कहा जाए पिट्यूटरी स्टॉक बोली कहा जाए तार अन्य नाम कौन इनफंडिबुलम देखो इनफंडिबुलम आम कौन बोलते फालोपियन ट्यूब पढ़ी इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ फालोपियन ट्यूब आम केवल से जानते ओबीजी किंतु यहाँ भी आपने देखूँ जे पिट्यूटरी स्टॉक को मध्य इनफंडिबुलम बोली कहा जाए क्लियर तेणु ये कौन कौन क्वेश्चन आसवर पॉसिबिलिटी रहा पिट्यूटरी ग्लैंड रो लोकेशन स्पेनोइड बोन रो लोकेशन हाइपोफाइसियल फोसा रो अदर नेम एवं पिट्यूटरी स्टॉक रो अदर नेम क्लियर विभिन्न प्रकार आपण जहाँ भी जो प्रकार भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिंतु आप नर्सेट दिंतु एमपीएचडब्ल्यू एग्जाम दिंतु एमएससी रो एंट्रेंस एग्जाम दिंतु ये पॉइंट गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट कौन सी भी एग्जाम आसवर संभावना अच्छे ओके किंतु मुख्य जिनस हूँ एग्जाम पर केवल आम पढ़ू ना आम फंडामेंटल डाउट क्लियर पर पढ़ुंट जदि फंडामेंटल डाउट क्लियर होगा टॉपिक बुझाप इजी हे क्लियर नेक्स्ट पॉइंट कहला द पिट्यूटरी एंड द हाइपोथैलेमस एक्ट एज यूनिट एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो कथा मुझे कहूँ जस्ट टिके पूर्व ना पिट्यूटरी ग्लैंड कौन करे हाइपोथैलेमस सहित मिसिकी गोटे यूनिट भाया से कम करती जेहेतु आम हाइपोथैलेमस को विभिन्न प्रकार फंक्शन रो कंट्रोल सेंटर बोली कहूँ आम मैंने जानते जे हाइपोथैलेमस रु जदि सिग्नल न आसला ताहले कौनसी हार्मोन रिलीज हबो नाही किंबा सप्रेस हबो नाही तेणु आम एंडोक्राइन सिस्टम रे मास्टरमाइंड क्या कहते हाइपोथैलेमस को मास्टरमाइंड कहते ठीक अच्छे तेणु यही मास्टरमाइंड सहित बा हाइपोथैलेमस सहित मिसिकी पिट्यूटरी गोटे यूनिट होगी कार्य करें जहाद्वारा कि सी बॉडी रो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड मानकर फंक्शन उपरे नियंत्रण रखिपारी थाएं रेगुलेट करें क्लियर नेक्स्ट आम विभिन्न प्रकार ग्राफ काटिक देखा डिटेल्स तार एनाटोमिकल देखा जदि आपने बुझु भावुंत कौन सारे आप खाली थ्योरी थ्योरी पढ़े दूसरी एनाटोमिकल रिव्यू कड़े गला आम टोटल ग्राफ काटिकी आम तार देखा डिटेल्स ओके सो पे प्रीवियस स्लाइड रे आम जहाँ कि डिस्कशन कले वर्तमान आम तार ग्राफ काटिकी डिटेल्स तार स्ट्रक्चर को आम बुझा ओके मुझे ना स्पेनोइड बोन आमर कौन कर गोटे फोसा क्रिएट कर स्पेस क्रिएट कर जोटा को आम कहते हाइपोफाइसियल फोसा तेणु सपोज मत टे ड्रइंग भल्रे आसेनि ओके यहाँ है आमर हाइपोफाइसियल फोसा हाइपोफाइसियल फोसा क्लियर तापर आम कौन देखिले ना हाइपोफाइसियल उपरे कौन अवस्थित हाइपोथैलेमस अवस्थित तेणु ये होगा आमर हाइपोथैलेमस क्लियर हाइपो थैलेमस ठीक अच्छे नेक्स्ट आम कौन डिस्कशन करते ना हाइपोफाइसियल फोसारे कौन अवस्थित आमर पिट्यूटरी ग्लैंड अवस्थित ये होगा आमर पिट्यूटरी ग्लैंड ओके पिट्यूटरी ठीक अच्छे देन आम कौन डिस्कशन कले ना हाइपोफाइसियल फोसारे जो अवस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड से सहित कनेक्टेड हाइपोथैलेमस सहित कनेक्टेड होद्वारा ना पिट्यूटरी स्टॉक द्वारा जोटा को आम इनफंडिबुलम बोली कही था तेणु ये होगा आमर पिट्यूटरी स्टॉक बा इनफंडिबुलम क्लियर ये होगा आमर पिट्यूटरी स्टॉक बाक आम कौन कहले इनफंडिबुलम एवं आपण मैंने क्लीअर हो गले तो इनफंडिबुलम केवल फालोपियन ट्यूब रे नहीं पिट्यूटरी स्टॉक को भी इनफंडिबुलम बोली कहा जाए क्लियर तो ये होगा आमर कौन इनफंडिबुलम बा पिट्यूटरी स्टॉक ठीक अच्छे देखो एबे आसला मूल जिनस यो आमर पिट्यूट आम जहाँ पढ़ले आपने बुझीगले एवं जाके आम पढ़ले हाइपोफाइसियल फोसा कौन पिट्यूटरी स्टॉक कौन हाइपोथैलेमस कौटि अवस्थित ठीक अच्छे वर्तमान आगको आम जहाँ पढ़ा ताकू भी मुझे ये बुझे दूची देखो पिट्यूटरी आम कौन पढ़ी पिट्यूटरी मेनली तीन टा लोब अच्छे केतेटी लोब अच्छी पिट्यूटरी कंटेन्स थ्री लोब्स ओके एम सी क्यू डिस्कसन कला बेलू मुझे देखी आपण मैंने डिस्कसन कर जिनस को से बुझी तीन टा लोब अच्छी कौन कौन विभिन्न प्रकार कलर में बुझे दूची पोर्सनटा दिस पोर्सन इज नोन एज एंटेरियर लोब ओके एंटेरियर लोब बा एंटेरियर पिट्यूटरी आम कहते
आंटीरियर पिट्यूटरी एवं पोस्टीरियर पिट्यूटरी यही पटटा होगा आमर पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्लियर ये पटटा होगा आमर पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिस इज पीपी लिखि दूचे शॉर्ट रे पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्लियर तेणु एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी दुईटा लोब होगा तालोले तीन नंबर लोबटा कौन सेटा होची आमर इंटरमीडिएटेड लोब इंटरमीडिएटेड लोब कोटा मझीटा जीए ताकु एंटीरियर पिट्यूटरी एवं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जे दि भाग करुची बा दि जन को अलग अलग करके रखुची सेटा हो जाय छी हमरो तीन नंबर लोब जोटा को आमे कहउचंती इंटरमीडिएटेड मेडिएटेड लोब ओके विभिन्न प्रकार बाहागर आपण माने देखि देबे मेडिएटर सब थांदे आ माने कोन ना मेडिएटर किए ना सीए मेडिएटर माने कोन ना दि जन को दि पक्षरु जे बुझा माने बुझा सुझा करथो कथार्ता ताको आमे कहउचंती मेडिएटर ठीक सेमिति इंटरमीडिएटर इंटर माने भितरे मध्य रे ठीक अछि तेनु दिटा लोब मध्य रे जे गैप मेंटेन करूची ताको आमे कहउचंती इंटरमीडिएट लोब बुझी पाले तो आमर एंटीरियर लोब को आउ कोन कह जाय एडेनो हाइपोफाइसिस बोली मध्य कह जाय ओके एंटीरियर लोब को कोन कह जाय एडेनो हाइपोफाइसिस ओके एडेनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब पिट्यूटरी रो अन्य नाम एडेनो हाइपोफाइसिस देखो तो एमदी भी क्वेश्चन आसी पारे जे एंटीरियर लोब पिट्यूटरी पकेबो नै सेठी दे दिथो एडेनो हाइपोफाइसिस आपण माने कन्फ्यूज होइ जिवे सेथि पई डिटेल्स रे बुझि नियंतु तेनु एटा जो आमर रहला एंटीरियर लोब पिट्यूटरी तार अन्य नाम कोन एडेनो हाइपोफाइसिस एवं पोस्टीरियर पिट्यूटरी रो अन्य नाम होउची न्यूरो हाइपोफाइसिस कोन न्यूरो हाइपोफाइसिस ठीक अछि एवं इंटरमीडिएट लोब इज इंटरमीडिएट लोब ठीक अछि तेणु आमर तीनटा लोब होइगला पिट्यूटरी रो गोटे होची एंटीरियर पिट्यूटरी गोटे होची पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को कहगला आमर एडेनो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहगला न्यूरो हाइपोफाइसिस एवं ता भितरे जे सेमानको मध्यरे गैप मेंटेन करूची ताको कहगला आमर इंटरमीडिएट लोब क्लियर एही पिट्यूटरी कहा द्वारा हाइपोथैलेमस सहित कनेक्ट होचंदी पिट्यूटरी स्टॉक बा इनफंडिबुलम सहित अच्छा वर्तमान एटी क्वेश्चन आसुची जे सर दीटा जांको लोब कौन पिट्यूटरी स्टॉक द्वारा ही कनेक्टेड होचंदी कि माने तांकर जो हार्मोन रो सिक्रेशन रहुची तांकर ब्लड सप्लाई रहुची से सब गुडाक ए स्टॉक द्वारा ही होउची कि तो मु कहबी ना काहे कि देखंदो आमर जो पिट्यूटरी स्टॉक रहला आमे डिटेल रे डिस्कशन करिवा आगो को अच्छी सब जिंस खाली आपण बुझी जांतो ग्राफटा को ओके देखंदो एठी जो एंटीरियर पिट्यूटरी रहला एंटीरियर पिट्यूटरी तार रास्ता अलग ठीक अछि एवं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तार रास्ता अलग केमिति अलग ना एंटीरियर पिट्यूटरी को आमर ब्लड सप्लाई होउछि केमिति थ्रो द हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली ब्लड सप्लाई होउछि ठीक अछि आमर कैरोटिड आर्टरी रु ब्लड सप्लाई हुए दुटा आंक को किंतु कैरोटिड आर्टरी रु कोड सप्लाई हुए ब्लड सप्लाई हुए कैरोटिड आर्टरी अछि सब जिंस बुझै देबी कैरोटिड रु सप्लाई हुए किंतु कैरोट एंटीरियर को सप्लाई हला बेल को ब्लड प्रथमे कोठी की जाए हाइपोथैलेमस को एवं देन आसे कोठी की एंटीरियर पिट्यूटरी को दैट मींस एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई केमती हुए इनडायरेक्ट वे रे हुए किंतु पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट वे रे हुए क्लियर ब्लड सप्लाई देखिले अच्छा सप्लाई होउची माने ब्लड से रिटर्न आसुथबो ड्रेनेज भी होउथबो तेनु ब्लड केमती ड्रेनेज हुए ना हमरो अछि कोन ना सुप्रो हाइपोफाइशियल आर्टरी अछि ठीक अछि देखंतु डायरेक्ट इनडायरेक्ट केमती मु बुझै दउची कैरोटिड आर्टरी सहित आमर गोटे कनेक्ट होइजे एटा इरेज करू छी मु ओके लोब सब बुझी गले तो आपण माने नोट कर नै थिबे बोधे मु इरेज करू छी याको देखंतु कैरोटिड आर्टरी रु सप्लाई हला ठीक अछि कैरोटिड आर्टरी रु आमर एठी गोटे जाइजे सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी ठीक अछि जोडा कि आमर सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी ओके सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी कोड होइ कि जाइछे ना सेटा आमर थ्रो द हाइपोथैलेमस होइ कि जाइछे ओके हाइपोथैलेमस होइ कि जाइछे एवं हाइपोथैलेमस रु कनेक्ट होइ छि कहा द्वारा कहा सहित सॉरी कहा सहित ना एंटीरियर पिट्यूटरी सहित ठीक अछि एवं गोटे अछि आमर
यहाँ है सुपेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी आ गोटे अच्छी आम इनफेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी जोटा कि कनेक्ट होती ना डायरेक्टली कैरोटिड आर्टेरी कनेक्ट होमर पोस्टेरियर पिट्यूटरी को क्लियर। सुपेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी कैरोटिड आर्टेरी कनेक्ट होती हाइपोथलामस एवं हाइपोथलामस रु ब्लड होगी कौटिक आंटेरियर पिट्यूटरी को एवं इनफेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी डायरेक्टली कैरोटिड आर्टेरी कनेक्ट होमर पोस्टेरियर पिट्यूटरी सहित से कहली जे आंटेरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई होउचे इनडायरेक्ट वे एवं पोस्टेरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई होउचे डायरेक्ट वे बुझीगला। जेहेतु ब्लड आसुची ब्लड तो पुणी बाहर से तेणु ब्लड बाहर बेलू केमती बाहर दुईटा या आर्टेरी बाहर किंतु जेहेतु आमर एटी हार्मोन सिंथेसिस होउची तेणु रिटर्न ब्लड रे बा वेनस ब्लड रे आमर कौन थाए हार्मोन मिसिकी थाए एवं जो गुड़ाक कि जाकि डायरेक्टली आम ब्लड स्ट्रीम रे मिसिकी तांकर टारगेटेड ऑर्गन और टिश्यू पाख को जाती क्लियर हो गला। नेक्स्ट हूँ आमर हार्मोन सिक्रेशन ठीक अच्छे हार्मोन सिक्रेशन केमी हुए देखो ये मुझे दूची यहाँ आम पिट्यूटरी स्टॉक थिला ओके देखो हार्मोन सिक्रेशन केमी हूँ मझे तो आमर हो गला कौन इंटरमीडिएटेड लोब ओके तेणु आमर एंटीरियर लोब जोटा कि आमर ब्लड सप्लाई थ्रो द हाइपोथलामस होने आम कौन बुझुंट ना आंटेरियर पिट्यूटरी हाइपोथलामस सहित डायरेक्टली कनेक्टेड ठीक अच्छे। जेहेतु गोटे ही आमर जो रहा सुपेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी सेटा आमर हाइपोथलामस देके आंटेरियर पिट्यूटरी को आसुची तेणु ता आम कौन बुझे ना आंटेरियर पिट्यूटरी आमर हाइपोथलामस सहित डायरेक्टली कनेक्टेड होगी रहा क्लीयर। किंतु जेहेतु पोस्टेरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करुवा इनफेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी डायरेक्टली कैरोटिड आर्टेरी पोस्टेरियर पिट्यूटरी को सप्लाई दूची तेणु सेटा आमर हाइपोथलामस सहित कनेक्टेड हैला नाही। ताहले एडी क्वेश्चन आसुची जे केमिति हार्मोन सिक्रेशन होउची पिट्यूटरी रे जदि आम हाइपोथलामस को मास्टर ब्रेन बोली कहउचंती ग्लांड मानंकर बा कंट्रोलर बोली कहउचंती ताहले केमिति सेठी कनेक्ट न होई पिट्यूटरी रे हार्मोन रो फॉर्मेशन हैला। देखंदो एंटीरियर पिट्यूटरी रे आमे जदि देखिबा एंटीरियर पिट्यूटरी रे एंटीरियर एपी लिखि दउची खाली ओके एंटीरियर पिट्यूटरी रे आमर हार्मोन को हुए डायरेक्ट सिंथेसिस हुए ठीक अच्छे डायरेक्ट सिंथेसिस हुए एवं पोस्टेरियर पिट्यूटरी रो जेतिकि हार्मोन आमर अछि मेनली ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन बा एडीएच ठीक अच्छे एगुड़ाक आमर पोस्टेरियर पिट्यूटरी रे सिक्रेशन बा सिंथेसिस हुए ना सिक्रेशन हुए पोस्टेरियर पिट्यूटरी रो किंतु सिंथेसिस हुए ना पोस्टेरियर पिट्यूटरी रे बुझिपारे एत दिन धरिकी आमर जो यहाँ गोटे मिसकनसेप्शन थिला जे आमर हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रो सिक्रेशन होता हार्मोन गुड़ाक एंटीरियर पिट्यूटरी रे सिंथेसिस हुंती एवं पोस्टेरियर पिट्यूटरी रो सिक्रेशन होता हार्मोन गुड़िक पोस्टेरियर पिट्यूटरी रे सिंथेसिस हुंती प्रकृति रे से भावना आमर भूल कहीं एंटीरियर पिट्यूटरी रु जिते हार्मोन सिक्रेशन हुंती से सब गुड़ाक एंटीरियर पिट्यूटरी रे ही सिंथेसिस हुंती किंतु पोस्टेरियर पिट्यूटरी रो जतेको हार्मोन से गुड़ाक पोस्टेरियर पिट्यूटरी रे सिंथेसिस हुंती नाही। ताहले क्वेश्चन एठी आछि जे कोठी से हार्मोन गुड़ाक सिंथेसिस हुंती एवं केमिति से मानकर सिक्रेशन हुए देखंतु दुईटा लोब आमे ऑलरेडी डिस्कशन कले एंटीरियर पिट्यूटरी एवं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ओके टिके मु इरेज कर दउचे जदि क्लास टी भल लागुचे लाइक कर देबे एवं फ्रेंड मानको सहित शेयर कर देबे ओके। देखंतु एठी आमर दुईटा लोब रहला ये होची आमर एंटीरियर पिट्यूटरी ये होची आमर पोस्टेरियर पिट्यूटरी एमाने हाइपोथलामस सहित कनेक्टेड हेले ठीक अच्छे ये होची आमर हाइपोथलामस हाइपोथलामस मु तो कहली ना आमर जो रहला सुपेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी सीए हाइपोथलामस देकि कनेक्टेड हेला एवं ब्लड सप्लाई कला पिट्यूटरी को से जना पड़ा जे एंटीरियर पिट्यूटरी आमर हाइपोथलामस सहित डायरेक्टली कनेक्टेड किंतु पोस्टेरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हाइपोथलामस सहित कनेक्टेड होना कहीं पोस्टेरियर पिट्यूटरी पाखे आमर कौन अच्छी पोस्टेरियर पिट्यूटरी अच्छे आमर नर्व सेल ठीक अच्छे पोस्टेरियर पिट्यूटरी अच्छे नर्व सेल से नर्व सेल गुड़ाकर कौन अच्छी ना आमर हाइपोथलामिक न्यूरोन सबू अच्छी
ठीक अच्छे हाइपोथालामिक न्यूरोन अच्छे देखो हाइपोथालामस दुईटा न्यूक्लियस अच्छे क्लीयर मुझे बुझे दूचे हाइपोथालामस दुईटा न्यूक्लियस अच्छे गोटे हूँ आम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस आ गोटे हूँ आम पारा भेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस क्लीयर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस यहाँ हूँ आम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ओके ये हूँ आम पारा भेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस पारा भेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस क्लीयर तेणु आमर जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी रहा पोस्टेरियर पिट्यूटरी रु आमर जो नर्व सेल गुड़ाक अच्छे पोस्टेरियर पिट्यूटरी रे से नर्व सेल गुड़ाक आमर न्यूरोन गुड़ाक ये प्रेजेंट अच्छे एमती ओके किछि न्यूरोन प्रेजेंट अच्छे आमर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रे आउ किछि न्यूरोन प्रेजेंट अच्छे आमर पारा भेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस रे ए सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एवं पारा भेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस कोडी अच्छे हाइपोथालामस रे ए हाइपोथालामस रो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एवं पारा भेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस सहित को माने कनेक्टेड नर्व सेल गुड़ाक कनेक्टेड नर्व सेल कोथरे अच्छे पोस्टेरियर पिट्यूटरी रे अच्छे बुझिपारे किंतु आमर एंटीरियर पिट्यूटरी रे सेमिति कोनोसी प्रकार नर्व सेल नाही से डायरेक्टली कनेक्टेड होती आमर का सहित हाइपोथालामस सहित ओके एवं जतक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रो सिक्रेशन होती से सबू गुड़ाक एंटीरियर पिट्यूटरी रे सिंथेसाइज होती किंतु पोस्टेरियर पिट्यूटरी जेहेतु नर्व सेल मानों द्वारा कनेक्टेड हाइपोथालामस सहित से आमर पोस्टेरियर पिट्यूटरी रो जतक हार्मोन कोडी सिक्रेशन सिंथेसिस होती आमर जो अच्छी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एवं पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस रे प्रेजेंट थिबा न्यूरॉन मानंकर कौन होंदी सिंथेसिस होंदी क्लियर तो आमर जदि न्यूरॉन रो आमे देखिबा स्ट्रक्चर ताले न्यूरॉन गुटे केमिति थाए ए टाइप रो ठीक अछि ये होउछि तारो हेड पोर्शन ये होउछि तारो बॉडी पार्ट जोडा को आमे कहउछन्ती एक्सॉन एटा होउछि तारो एंड पोर्शन ओके जोड़ो का आम कहूँ एक्सॉन एंड ठीक अच्छे बा एक्सॉन टर्मिनल क्लियर तेणु न्यूरॉन गुड़ाक आमर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथालामस एवं पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस रे कनेक्टेड रहिले एवं जते बेले ऑक्सीटोसिन एवं एडीएच बा वैसोप्रेसिन रो सिंथेसिस हला सेटा कोडी सिंथेसिस हला आमर एई हाइपोथालामिक न्यूरॉन गुड़ाक रे सिंथेसिस हला हाइपोथालामिक न्यूरॉन गुड़ाक रे ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन सिंथेसिस हेगी एक्सॉन द्वारा बा एक्सॉन देकी आमर धीरे 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 कोठिक आसिले आमर एक्सॉन टर्मिनल पाखुक आसिले जोटा कि आमर नर्व सेल रो एंड पार्ट बोली कहउछन्ती आमे ओके से एंड पार्ट रे आसी कि कोन हले सेइठी स्टोर हेगी रहिले जतेबेले बॉडी रो नीड हला सेतेबेले हाइपोथालामस कोन कला सिग्नल देला एवं सिग्नल देला पोरे से हार्मोन गुड़ाक आमर पोस्टेरियर पिट्यूटरी देकी ब्लड स्ट्रीम रे रिलीज हेले बुझिपारे एबे नेक्स्ट देखिबा सो जदि आमे पिट्यूटरी रो साइज कथा कहिबा या देखिया पई गोटे मोटर भलिया पी ओके एवं जदि तार वेट कथा कहिबा ताले इट इज 500 मिलीग्राम ठीक अछि क्वेश्चन एटा भी आसी पारे वेट ऑफ पिट्यूटरी एंड साइज ऑफ पिट्यूटरी क्लियर सो आमे जेमती डिस्कशन कले पिट्यूटरी रो टोटल केतरा लोब तीन टा लोब फर्स्ट हूँ आम एंटीरियर पिट्यूटरी जोटा कि आम एडेनो हाइपोफाइसिस कहगला देन हो इंटरमीडिएट लोब जोटा कि आम एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भाग कला और थर्ड रे आम पोस्टीरियर पिट्यूटरी जोटा को आम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहगला ओके सो ब्लड सप्लाई कथा भी आम डिस्कसन कले तथा मुझे द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई फ्रम द इंटरनल कैरोटिड आर्टेरी कही एंटीरियर लोब इज सप्लाइड इनडायरेक्टली थ्रू द हाइपोथालामस एंड द पोस्टीरियर लोब इज सप्लाई डायरेक्टली क्लीयर केमती इनडायरेक्ट सप्लाई है किमती डायरेक्ट सप्लाई है कहीदेली डायरेक्ट एंटीरियर लोब को यहीपाई इनडायरेक्ट सप्लाई है जे आम सुपेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी आम हाइपोथालामस देकी एंटीरियर पिट्यूटरी को आसुची से ब्लड सप्लाई कैरोटिड रु कोठिक गला आगो हाइपोथालामस देकी तापर एंटीरियर लोब को आसला से इनडायरेक्टली सप्लाई है एंटीरियर लोब को किंतु आमर इनफेरियर हाइपोफाइसियल आर्टेरी डायरेक्टली कैरोटिड आर्टेरी अटाच होती आम पोस्टेरियर पिट्यूटरी से पोस्टेरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली सप्लाई है क्लीयर देर आसमर भेनस ड्रेनेज
भेनस ड्रेनेज केमती ना द भेनस ब्लड कंटेनिंग हॉर्मोन्स फ्रॉम बोथ लोब लीव्स द ग्लैंड एंड एंटर डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम। ओके माने जेते बेले आमर ब्लड सप्लाई होची सेते बेले ड्रेनेज भी हबो, तेनु ड्रेनेज हबो जेते बेले सेते बेले कोन हबो ना दीटा यांको लोब रु जेति की हॉर्मोन सिक्रेशन हेथिबे काहेकि ना आमे जानिचंती प्रीवियस स्लाइड प्रीवियस टॉपिक रे मु कहितली क्लास रे मोर जे ग्लैंड गुडाको होउचंती एंडोक्राइन ग्लैंड गुडाको होउचंती डक्टलेस कोनोसी प्रकार डक्ट सेथिरे नाही काहेकि ना जेते को हॉर्मोन सेटु सिक्रेशन होउची डायरेक्टली आमर ब्लड स्ट्रीम रे पोसुची। ब्लड स्ट्रीम रे केमिति पोसुची ना एंडोक्राइन ग्लैंड गुडाको विभिन्न प्रकार कैपिलारी द्वारा सराउंडेड सेथिपई एंडोक्राइन ग्लैंड रे जेहेतु आमर सिक्रेटरी सेल अछि एवं से सिक्रेटरी सेल सहित क्लोजली कैपिलारी गुडाको मिसिकी विभिन्न आमर जालो भलिया खेले हे कि रहउचंती सेथिपई सिक्रेटरी सेल रु जहाँ भी हॉर्मोन सिक्रेशन होला सेटा कैपिलारी देकी डायरेक्ट ब्लड रे मिसुची कोनोसी प्रकार आमर डक्ट सेथिरे नाही बुझियला। सेथिपई भेनस ड्रेनेज हेला बेळकु मध्य जेहेतु डक्टलेस सेथिपई सिक्रेशन हेथिबा हॉर्मोन गुडाको डायरेक्टली आमर कैपिलारी सहित मिसिकी कोडे आसंती ब्लड स्ट्रीम रे एंट्री मारंती क्लियर। देन आसला आमर एंटीरियर पिट्यूटरी आमर जो तीनटा लोब आमे डिस्कशन कले ता भितर वन बाय वन आमे डिस्कशन करबा। प्रथम होजे आमर एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कंपोज्ड ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू एडा ओड नै ऑफ ओके एंटीरियर पिट्यूटरी कंपोज्ड ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू एंड लिंक्ड विथ द हाइपोथैलेमस बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो मु कहली आमर सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टेरी जो अच्छी जोड़ा कि आम हाइपोथैलेमस देकी एंटीरियर पिट्यूटरी को गला से कौन कह जाए से आर्टेरी से आर्टेरी जो ब्लड गला हाइपोथैलेमस को एवं हाइपोथैलेमस रु आसिला आमर एंटीरियर पिट्यूटरी को तो ये प्रोसेस को कौन कह जाए पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम बोली कह जाए से जिनसटा को डिस्क्राइब कर पॉइंट नंबर टू रे पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बाय व्हिच ब्लड एंटर्स इनटू द एंटीरियर लोब थ्रू द क्लोज कांटेक्ट विथ सम सिक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस। ओके ना आमर जो सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टेरी जोड़ा आमर हाइपोथैलेमस देकी एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई कला इनडायरेक्टली ब्लड सप्लाई कला सेटा को आमर कौन कह जाए से सर्कुलेशन को पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम बोली कह जाए। ओके सेटा डिस्क्राइब करुची जे पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम हूँ गोटे ब्लड वेसल्स मानकर नेटवर्क जहाद्वारा आमर किसी सिक्रेटरी सेल मानकर क्लोज कंटाक्ट देकी हाइपोथैलेमस सिक्रेटरी सेल सहित क्लोज कंटाक्ट होगी ब्लड कोठी एंट्री करे एंटीरियर पिट्यूटरी रे एंट्री करे। सो द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी इज रेगुलेट्स बाय द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। जेहेतु आमर सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टेरी हाइपोथैलेमस देकी ही एंटीरियर पिट्यूटरी को जाउची तेणु एंटीरियर पिट्यूटरी रो हार्मोन सिक्रेशन एवं हार्मोन सप्रेशन कहा द्वारा रेगुलेट हबो हाइपोथैलेमस द्वारा ही रेगुलेट हबो। ठीक अच्छे हाइपोथैलेमस जदि आमर कौन इंडिकेशन दबो ताहले सी हार्मोन रिलीज करिवो जदि हाइपोथैलेमस पुणी सिग्नल दबो बंद करिया पई ताहले हार्मोन बंद हबो क्लियर। देन आसी आमर पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट इज फॉर्मड फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। ऑलरेडी मु डिस्कशन कली जे आमर किछि नर्वस टिश्यू द्वारा सॉरी नर्वस टिश्यू द्वारा तयारी हेची दीज आर सराउंडेड बाय द सपोर्टिंग ग्लियल सेल एंड कॉल्ड पिट्यूसाइट। ठीक अच्छे से जो आमर एक्जोन आसला आमर नर्व सेल रो ये हला आमर हेड ये हला एक्जोन टर्मिनल बा एंड पोर्शन ऑफ द नर्व सेल एवं एटा कह जाए बॉडी बा एक्जोन ऑफ नर्व सेल क्लियर। तेणु एठी सिंथेसिस हला ठीक अच्छे एठी आमर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो आमर हाइपोथैलेमस रो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एवं आमर पाराभेंट्रिकुलर न्यूक्लियस रे यारो हेड एंट्री करुची नर्व सेल रो से नर्व सेल रे कोन तयारी होची ऑक्सीटोसिन एवं वासोप्रेसिन तयारी हला पोरे से एक्जोन देकी बा नर्व सेल रो बॉडी देकी एक्जोन टर्मिनल बा एंड पोर्शन को आसुची एंड पोर्शन डा कोडी अछि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रे अछि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जे से आमर एक्जोन टर्मिनल रे स्टोर हेगि रहुची जे पर्यंत आमर हाइपोथैलेमस सिग्नल न देची से पर्यंत से ब्लड सेठु एक्जोन टर्मिनल रु रिलीज होबो नै से हार्मोन गुडाक। ठीक अछि तेनु सेही जिनस कहला जे इट इज फॉर्म फ्रॉम द नर्वस टिश्यू दीज आर सराउंडेड बाय द सपोर्टिंग ग्लियल सेल एंड कॉल्ड पिट्यूसाइट। एठी आमर कौन अच्छी गोटे रेगुलेटर अच्छे जमी फैन रेगुलेटर से रेगुलेटर को कौन कहा जाए पिट्यूसाइट बोली कहा जाए। ओके जिते बड़े आमर हाइपोथैलेमस कौन करिवो ना सिग्नल दबो जे बॉडी रो नीड अच्छी ऑक्सीटोसिन किंवा वासोप्रेसिन को रिलीज करो
ସେତେବେଳେ ଏଇ ପିଟୁ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠି ତାକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରିବ। ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କଲା ମାନେ ପୋଷ୍ଟେରିଓ ପିଟୁଟାରି ହିଟ୍ ଦେଇକି ଆକ୍ଜନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ରୁ ହର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ। କ୍ଲିୟର୍। ଦିଜ୍ ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର୍ ସେଲ୍ ବଡିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସୁପ୍ରା ଅପ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପାରାଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ବଡି ଅଛି ନର୍ଭ ସେଲ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମର ସୁପ୍ରା ଅପ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଏବଂ ପାରାଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ରେ ଅଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଆମର ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଏବଂ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଆକ୍ଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ବଣ୍ଡଲ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ହାଇପୋଥାଲାମୋ ହାଇପୋଫାଇସିଆଲ୍ ଟ୍ରାକ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ର ସୁପ୍ରା ଅପ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଏବଂ ପାରାଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ରୁ ଏମିତି ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବା ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଆସିକି କେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ପୋଷ୍ଟେରିଅର ପିଟୁଟାରିରେ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ପାର୍ଟ ବା ଆକ୍ଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ୍ ନିର୍ମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ହାଇପୋଥାଲାମୋ ହାଇପୋଫାସିଆଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ହାଇପୋଥାଲାମୋ ହାଇପୋଫାସିଆଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ, ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଏବଂ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆସିକି କେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ଆକ୍ଜନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଷ୍ଟେରିଅର ପିଟୁଟାରି ଭିତରେ ଅଛି। ଓକେ, ସେ ଆକ୍ଜନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି। କ୍ଲିୟର୍। ସୋ ପୋଷ୍ଟେରିଓ ପିଟୁଟାରି ହର୍ମୋନ୍ସ ଆର୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ବାଇ ଦ ହାଇପୋଥାଲାମିକ୍ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଆକ୍ଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ଆକ୍ଜନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଇନ୍ସାଇଡ଼୍ ଦ ପୋଷ୍ଟେରିଅର ଲୋବ୍। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜିନିଷ, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଅର୍ ଇମ୍ପଲ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଟ୍ରିଗର୍ଡ ଦ ଭେସିକିଲ୍ ଦ ଆକ୍ଜନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ରିଲିଜ୍ ଦ ହର୍ମୋନ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ପୋଷ୍ଟେରିଅର ପିଟ୍ୟୁଟାରି। କ୍ଲିୟର୍। ଯେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରନ୍ ବଡି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁପ୍ରା ଅପ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ରେ ଏବଂ ପାରାଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆକ୍ଜନ୍ ଦେଇକି ତଳକୁ ଆସନ୍ତି। ଓକେ, ଆକ୍ଜନ୍ ଦେଇକି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଜନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୋଷ୍ଟେରିଅର ପିଟୁଟାରିରେ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟେରିଅର ପିଟୁଟାରିରେ ଆସିକି ଆମର ଆକ୍ଜନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଭ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବା ନର୍ଭ ଇମ୍ପଲ୍ସେସ୍ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଗର୍ଡ ହୁଏ ବା ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ସେ ଆକ୍ଜନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଏବଂ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ର ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ, ଯେ ପୋଷ୍ଟେରିଅର ପିଟ୍ୟୁଟାରି ହିଁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଏବଂ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିୟର୍। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ସୋ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କିମ୍ବା କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ୟୋର୍ ଇସ୍ୟୁ। ଓକେ, ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସହ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।